अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्पेशल शो. दिसंबर का महीना है और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उस वक्त खतर के अंदर, जब दिसंबर के इन्हीं महीनों में, इसी महीने में दो लख्त हो गया, ढाका फॉल हुआ, उसके ऊपर बेतहाशा बात होती है. हमने सोचा कि जो लोग उस जमाने के विटनेस हैं, जो लोग आज भी रेलेवेंट हैं, उनसे भी ढाका फॉल के मुतालिक बात की जाए. पाकिस्तान में डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज हैं ढाका फॉल को लेकर. कोई इलेक्टेड लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते, भुट्टो साहब पर बहुत इल्ज़ाम लगता रहा, बल्कि नवाज शरीफ साहब की जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो इसी चीज़ पर गुजरी कि मुल्क तोड़ने वाली पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. दूसरी तरफ लोग इल्ज़ाम जनरल याहिया पर भी लगाते हैं. फॉल्टी स्ट्रेटजी थी, फौज के हाथ में इख्तदार था अयूब खान के दौर से, और इख्तियारात क्योंकि बंगाल को नहीं मिले और सारे मरकज़ जो था वो एक ऐसी फौज के पास था जिसमें बंगालियों की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो इस वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी कि बिलाखिर पाकिस्तान को टूटना ही था. तीसरे फैक्टर्स में लोग मुजीब और इंदिरा गांधी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं, उनके अलायंस की बात करते हैं, मुक्ति बहानी की बात करते हैं कि हालात जो थे उनको एक्सप्लॉयट किया इंडिया ने, हालात जो थे उनमें मुक्ति रेबल्स ने जो है वो रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल प्ले किया, और इस वजह से जो है वो पाकिस्तान टूट गया. आज पाकिस्तान के अहम तरीन दानिश्वर जो उस वक्त भी जिन्होंने इन तमाम मामलों को विटनेस किया, उनसे बात करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने आज 2015 में 1971 से क्या सीखा. मेरे साथ मौजूद है मुजीब रहमान शामी साहब, हारून रशीद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब स्टूडियोज में, और हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हाशमी साहब और अहमद रजा कसूरी साहब. हम उम्मीद रखते हैं कि अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब कवर जुबान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे. शामी साहब, कहां से तारीख शुरू होनी चाहिए ढाका फॉल की, सिर्फ वॉर से या बहुत पहले से? नहीं, आप जहां से चाहें तारीख शुरू कर सकते हैं. वो जो किसी शायर ने कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों जी, हादसा एक दम नहीं होता. तो बहुत से मामलात होते हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स होती हैं जो फ़ज़ा में मौजूद होती हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर हिकमत से और दानाई से काम लें तो इस इंतहाई जो बुरा अंजाम है जी, उससे बचा नहीं जा सकता. तो सकूत ढाका के पस मंज़र में तलखियाँ भी हैं, शिकायात भी हैं, मशरकी पाकिस्तान की और मगरबी पाकिस्तान की दूरियां भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं. लेकिन उन सब चीज़ों का इलाज हो सकता था, सब चीज़ों से बचा जा सकता था. बुनियाद हो सका सर, कौन नहीं कर सका? एक सबसे बुनियादी जो किरदार है वो तो अदा किया भारत की फौज ने. अच्छा, जो भी झगड़ा होता, आप देखिए कई ममालिक में झगड़े हुए हैं, और उसी जमाने में नाइजीरिया में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था और एक बड़ा एक कुछ तो खून था वहाँ, एक सिविल वार की कैफियत थी. लेकिन क्योंकि कोई दूसरी ऐसी ताकत मौजूद नहीं थी जो इंटरवीन करती थी एक फरीक के हक में, तो सेटलमेंट हो गई उनके यहाँ मिलाकर. तो अगर यहाँ भी भारत मौजूद ना होता और उसकी फौज जो है वो इंटरवीन ना करती, या ट्रेनिंग ना देती मंगोली मुक्ति, या उनको ट्रेनिंग ना देती, इतना रोल अदा ना करती, तो और या ये अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करके भारत जो है वो मसालेहत कराने की कोशिश करता, तो ये सूरत हाल जो थी इससे बचा जा सकता था, यानी एक बड़ी बात है. दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में मार्शल ना होता और आप फौजी कार्रवाई तक नौबत ना आती, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दस्तूर जो था नया वो ना बनाया जाता और उसके लिए इंतखाबात ना होते, और तो सिक्स पॉइंट्स ना आते मुझे, तो फिर अगर आप फिर ये भी कह सकते हैं कि 65 की जंग ना होती तो फिर छह नुकात ना आते, और छह नुकात ना आते तो फसाद बर्पा ना होता. तो बहुत से मामला होते हैं, लेकिन जब बुनियादी तौर पर जो फैसला कुन सूरत पैदा हुई वो तो ये थी कि एक मिलिट्री एक्शन हुआ और फिर भारत जो है उसकी फौज ने मदाखलत की. तो ये दो बातें जो है, मिलिट्री एक्शन तो नागुजीर नहीं हो गया था जब सारा वहां चीजों को टेक ओवर कर लिया मुक्ति रेबल्स ने? हाँ, जिस वक्त मिलिट्री एक्शन हुआ है जी, उस वक्त आप ये कह सकते हैं, लेकिन उस तक नौबत क्यों आई? होना तो ये चाहिए था ना, देखिए कि वो नौबत ही ना आती, उससे पहले कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाता या हालात को संभाल लिया जाता. और आप ये भी देखें, जब सोगुते ढाका हो गया जी, तो उसके बाद भुट्टो साहब को इख्तदार मुंतकिल हुआ, जो नया पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं मौजूदा पाकिस्तान, तो दस्तूर के बगैर इख्तदार मुंतकिल कर दिया गया मार्शल्ला के जरिए. भुट्टो साहब को चीफ मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर इख्तदार मुंतकिल कर दिया गया.
इसका मतलब यह हुआ कि आप इख्तदार मुंतकिल कर सकते थे दस्तूर के बगैर भी। अच्छा, ये आपका पॉइंट है। अगर भुट्टो साहब को मुंतकिल हो सकता था तो मुजीब को मुंतकिल नहीं होता। सर, भुट्टो साहब ने ये शर्त लगाई थी कि सिंध की अलग फौज होगी, जिस तरह मुजीब साहब ने बंगाल की अलग फौज की शर्त लगाई थी इस दस्तूर साजी के बगैर। ठीक है, ठीक, मतलब कई वाकयात ऐसे हो सकते थे। बिल्कुल ठीक। इफ्तिखार साहब, आप कहां से स्टार्ट करेंगे? बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ढाका फॉल को कहां से स्टार्ट करेंगे? 28 फरवरी 1948 है वो। क्यों? जब मजलिस दस्तूर साहब असेंबली में लियाकत अली खान साहब ने तकरीर की और कहा कि उर्दू को कौमी जबान करार दिया जाता है और सिर्फ यही मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान को मुतहद रख सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद 19 मार्च 1948 शदीद बारिश हो रही है ढाका में, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वहां पहुंचते हैं, उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलता है। वो दो दिन के बाद 21 मार्च को रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में जलसाम से खिताब करते हैं और कहते हैं कि सरकारी जबान उर्दू होगी और इसके खिलाफ गुमराह करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस बयान के फौरन बाद मौलवी फजल हक ने शदीद तनकीद की और उन्होंने डिमांड किया कि कायदे आजम ने जो बात कही है इस मसले पर रेफरेंडम कराया जाए। 1948 वही साल वही महीना इस रेस कोर्स ग्राउंड के 3 दिन के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को ढाका यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीम इसनाद में जाना पड़ता है। वहाँ पर भी उन्होंने जाके कहा कि इस सूबे में सरकारी दफातर के लिए अगर आप चाहें तो आप अपनी जबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात करते हैं वो सरकारी जबान सिर्फ उर्दू होगी। कहा जाता है कि वहाँ पर इस पर तनकीद हुई अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर, लेकिन इस पर कोई क्लियर कट तारीख कहीं नहीं मिलती कि कोई स्टूडेंट्स ने वॉकआउट किया या नहीं किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सारा इस सारे खेल में मामला खराब हुआ वो 3 जून 1948 का हुआ, जब हुसैन शहीद सुहरावर्दी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये बात हुई तो हिंदुस्तान को छाया मिल गई। उन्होंने कहा यार उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो आदमी इस सारी जदोजहद के अंदर शरीक था। किसको गिरफ्तार कर लिया? हुसैन शहीद सुहरावर्दी को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जनाब जरूरत पड़ गई और उसने एक मुतालबा कर दिया 17 दिसंबर 1948 को कि मशरकी पाकिस्तान में मुकीम जो 1.5 करोड़ हिंदू हैं उनका तहफ्फुज़ की हमें गारंटी दी जाए। लियाकत अली खान साहब ने, क्योंकि यहाँ पे इनकी चपकस चल रही थी, लियाकत अली खान साहब एक कमजोर आदमी थे, उनकी चपकस चल रही थी, उन्होंने एक कानून बना दिया डिस्क्वालिफिकेशन करने का सियासतदानों को। किसने किया? लियाकत अली खान साहब ने कर दिया। एब्डो से भी पहले, एब्डो से पावडा कर दिया। 1 मार्च 1949 को सुहरावर्दी को की दस्तूर साज असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई। अब किस आदमी के बारे में की जा रहा है? जो आदमी वहां से आया यहां पे वो रिप्रेजेंट करता था। वो किस तारीख को आया ये अपना पाकिस्तान बनने के बाद? नहीं नहीं, काफी अर्से के बाद। चले 1 मार्च को उसकी रुकनियत खत्म कर दी गई। किस कौन से साल? ये 49 में। वो उस दौरान में कहां था वो? इंडिया। तो 48 को गिरफ्तार कैसे हुआ? कैसे गिरफ्तारी उन्होंने किया ना? कहां? जब पाकिस्तान में आ गया। तो इंडिया में था, आ गया पाकिस्तान में। अब चेक कर ले सर। मैं देखे शामिल साहब, एक बात प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की सारी डिबेट में, अगर तुम तारीख की बात करना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल हम तारीख पर चले। हाँ, ठीक है। और अगर हमने जज्बात पे कहना तो फिर भुट्टो को फांसी आप पहले भी दिलवा चुके हैं, एक दफा आज फिर कोशिश कीजिएगा उसको निकाल के फांसी पे लगाया जाए। नहीं नहीं, आप ये वो आपने दिलवाई? आपने दिलवाई है। मैं उसकी भी कहानी वो भी मैं आपको पार्ट बता। आज अगर फांसी देनी होगी तो आपको देंगे, भुट्टो को क्यों? अच्छा, 3 जून 1948 को क्या फांसी देनी है? मुर्दों को फांसी देनी है? अच्छा जी, यकम तारीख को उस आदमी की इन्होंने खत्म कर दी मेंबरशिप। लियाकत अली खान साहब ने 12 मार्च को सर फास्ट चले। नहीं नहीं, इसे मैं नहीं कर सकता। अच्छा, सॉरी, ठीक। अगर आप अच्छा, पाकिस्तान की तबाही की वजूहात जानना चाहते हैं तो वो ये जज्बाती नहीं हो सकती कि बांग्लादेश का नामंजूर हो गया और फौज ठीक है सर, आप चले अपने साथ, और इंडिया ने आपको तोड़ दिया। ऐसे नहीं, इंडिया ने आपको तोड़ दिया। इंडिया ने नहीं कहा था कि आप 28 फरवरी 1948 को उर्दू जबान का नारा मार दें।
इंडिया ने नहीं कहा था कि कायदे आजम मोहम्मद जिन्ना साहब और आप जाए वहां पर जाके ये तकरीर करें। इंडिया ने नहीं कहा था फजले हक को कि आप कायदे आजम के खिलाफ बयान दें। इंडिया ने ये नहीं कहा था कि तो आप ये कह रहे हैं कि कायदे आजम लियाकत अली खान ने इस सीट खुदा ना खास्ता बो दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दो मिनट तो दे दें, घड़ी के हिसाब से दो मिनट दे दें, तारीख के साथ चलने दें। वैसे आप पांच मिनट ले चुके हैं, मैं आगे बोलूंगा। लियाकत अली खान ने 7 मार्च को एक करारदाद पेश की जिसकी सरबराई मौलाना अलामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब कर रहे थे, वो जमीयत उलमा इस्लाम के प्रेसिडेंट थे। ठीक, उन्होंने उस करारदाद को पेश करके, वो जमीयत उलमा इस्लाम और थे, ये नहीं थी, दूसरा ये वो आप फैसला करके बता दिएगा। नहीं, मेरे फैसला नहीं, आप तारीख की जेयूआई की थी, जेयूआई ये नहीं थी, मौलाना फजलुर रहमान उलमा इस्लाम थी, वो मुस्लिम लीग की दिल्ली तंजीम थी। मैं ये कह रहा हूं, तो मैंने सर मैंने कुछ कहा फजल भंग नाम लिया, ये तो जानबूझ के काम करने वाली बात है, पता कोई नहीं ना। अच्छा जी, मनु नहीं पता, तानू ज्यादा पता है। गुड, आपका पता नहीं, आपको पता है 17 जून 1949 ठीक, मुस्लिम लीग के अंदर बगावत होती है, ठीक है, मुनरफ अराकीन अलामा रागब हसन की सरबराई में अवामी लीग बन गई। अब देखें तारीख चल कैसे रही है, ठीक है, अवामी लीग ये नहीं आ गई कि उधर से मुजीर रहमान ने जंप लगाया और अवामी लीग बन गई और ये हो गया। 26 जनवरी 1952 को ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब ने दौरा किया मशरकी पाकिस्तान का, फिर जाकर उन्होंने कहा कि उर्दू जबान होगी। 25 फरवरी 1952 को मशरकी बंगाल का वजीर आजम नूर अमीन ने सरकारी बंगला जुबान बनाने की सिफारिश कर रही, अब खुद नूर अमीन कर रहा है वहां की मसले से दस्तूर साहब में, मगर यहाँ के रहने वाले के लिए, जी बंगाल के लिए, बंगाल के लिए, लेकिन यहाँ की क्यादत ने सर पॉइंट ऑफ ड्राइव कर रहा है। नाजमुद्दीन कौन थे जी? नाजमुद्दीन मगरबी पाकिस्तान के लीडर, सूबे से उसी सूबे से, बंगाल सूबे के थे ना, और वजीर आला रहे ना। बड़ी खुशी की बात है की आज बात यहाँ तक आई कि क्या खेल थी। अच्छा। मैं तो बड़ा शुक्र गुजार हूँ आपका कि आज नाजमुद्दीन का आप नाम ले रहे हैं इस उर्दू के मामले में, और मैं भी कुछ नाम ले रहा हूँ। चलें आगे चलते हैं, सियासत बड़ी बुरी चीज है और हिस्ट्री बड़ी बुरी चीज है। 26 फरवरी 1952 सर, एक सेकंड, नहीं 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 एक मिनट, क्या मतलब? नहीं मैं तो सुनूंगा, आपको सुनना पड़ेगा, तारीख है, नहीं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनेंगे प्लीज? सिर्फ इतना बता दें कितनी देर का खुतबा है, चौधरी निसार अली से ज्यादा या कम? नहीं, मैं आगे आगे लेके जाना, मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान के उन नौजवानों से, ठीक है, जिनको बकाया जाता है, आपने कहा ज़बान की बुनियाद पे, जिनको बकाया जाता है, जिनको तारीख तक नहीं पढ़ने दी जाती, उनको किताबों में ये चीजें शामिल नहीं की जाती, और कुछ लोगों ने किताबों में, और कुछ लोगों ने अपने हाथ में ये फैसला ले लिया है कि मशरकी पाकिस्तान कैसे बना। मशरकी पाकिस्तान बनाने के जो मुहरकात है वो मैं, अगर इन्होंने मौका दिया जो कुछ भी फरमा रहे हैं ना, ये ठीक है, इनका अपना नुक्ता नजर है, अच्छी नुक्ता नजर है, लेकिन बात सुन ले, हमें हकायक को सख्ती से फॉलो करना है। ये हकीकत नहीं है, नहीं बात सुन ले, ये हकीकत है ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ये हकीकत नहीं है, बात तो सुन लेना सर, उनकी बात से दस्तूर साज असेंबली में लियाकत अली खान ने क्या फरमाया, पहली क्यों हकीकत नहीं है, पहली दस्तूर साज असेंबली ने ये करारदाद मंजूर की, ठीक है, जिसमें अक्सरियत मशरकी बंगाल से ताल्लुक रखती थी, ठीक, के उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जुबान होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा? आपने कहा लियाकत अली ने, ना ना, मैंने मजे से दस्तूर साज असेंबली का, बात तो सुन लेने सर, हाँ, तो दस्तूर साज असेंबली को फैसला करने का इख्तियार है कि कोई लल्लू पंजू फैसला करेगा। चले, अच्छा बात सुन ले, उसने ये करारदाद मंजूर की और उर्दू जुबान बंगाली की जगह नहीं रह रही थी, ठीक है, बंगाली उससे पहले कौमी सरकारी जुबान नहीं थी, ठीक है, उर्दू जुबान अंग्रेजी की जगह सरकारी जुबान हो रही थी। चले, ये तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू, तो और ये कौम, ये करारदाद है दस्तूर साज असेंबली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना, जिसे मुंतखब किया गया था दस्तूर बनाने के लिए। आपने कुछ इस पे करना है, चैलेंज करना है? नहीं, देखे ना, इन्होंने तो 10-20 पॉइंट बयान किए हैं, तो पूरा खुतबा दिया इन्होंने, बेसिकली ये है कि जुबान के मामले में आपने सीट बोल दिया, 4 सफे पूरे पड़े हैं, आप इनको इजाजत दें, बेशक ये जैसे दे आगे चलते हो, आगे पूरे प्रोग्राम, मैं नहीं कह रहा आप मुख्तसर करें, नहीं मैं करना भी नहीं चाहता, मैं नौजवानों को हकीकत बताना चाहता हूँ, अरुण साहब, कि पाकिस्तान कैसे टूटा, इसमें कोई हकीकत नहीं है, मतलब आपके कहने से इजाजत है, क्या बात है सर, इजाजत प्लीज सर, गुजारिश ये है कि ये जो वाक्यात इन्होंने कोट किए हैं ना जी, वो दुरुस्त है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, ठीक है, यानी या तो मुझे याद मुमकिन है, मेरी याददाश्त में कोई चीज ना हो, ना दुरुस्त भी हो, लेकिन मेरा मुझे लगता है ये दुरुस्त है।
लेकिन उसका एक का जवाब तो शामी साहब ने दे दिया ना कि मजलिस दस्तूर साज का रेजोल्यूशन था। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि बंगालियों को तो कोई प्रॉब्लम तब होता अगर सूबे की जुबान भी उर्दू करार दी जाती, वहां तो बंगाली की इजाजत थी और उर्दू अंग्रेजी को रिप्लेस कर रही थी, बंगाली को नहीं कर रही थी। यहाँ भी इलाकाई जुबानें थी, पंजाबी यहाँ थी, सिंधी थी। सिंधी बड़ी डेवलप्ड लैंग्वेज है, सबसे डेवलप्ड लैंग्वेज सिंधी है, बंगाली से ज्यादा डेवलप्ड, बड़ी नफीस ग्रामर है उसकी, बड़ा अदब है उसमें। पश्तो कितनी पुरानी जबान है। सूरी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद कसूरी साहब जी आ रही है जी। सर 71 में इलेक्शन, 70 जी सर 70 में इलेक्शन हो गया, क्यों नहीं पावर ट्रांसफर की गई बंगालियों को, क्यों नहीं उनका मदावा किया गया, उनके अगर ग्रीवेंसेस भी थे इफ्तिखार साहब कह रहे हैं राइटली और रॉन्गली, क्या वजूहत थी? क्या मुजीब के 6 पॉइंट्स, उनका फौज अलग बनाना, उनकी इकॉनमी अलग का प्रॉब्लम था, या मसला कुछ और था? आप तो खुद इलेक्ट हुए असेंबली में और पीपल्स पार्टी के आप फाउंडर मेंबर्स में से हैं जी। कसूरी साहब कौन रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम वाकियात के, इलेक्शन के बाद खासतौर पर अगर आज जरा आगे देखें। कामरान चीज ये है कि 4 बयान है जुल्फिकार अली भुट्टो के जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहला बयान है जो कि 14 फरवरी 1971 को और जगह है पेशावर हयात अहमद शेरपाओ का घर, वहां भुट्टो ने कहा कि उसने कहा कि पीपल्स पार्टी वुड नॉट बी अटेंडिंग द फोर्थ कमिंग सेशन ऑफ द नेशनल असेंबली बिकॉज वी वुड बी ट्रीटेड एज डबल हॉस्टेज, वी विल गोइंग टू स्लॉटर आउट, कि पीपल पार्टी आइंदा इलेक्शन वहां नहीं जाएगी। दूसरा बयान दोहरा यरगमाल बना लिया जाएगा और हमें हम मदाने कताल में जाएंगे। कसूरी साहब को मेरी आवाज आ रही है 28 फरवरी 1971 और जगह है इकबाल पार्क, वहां भुट्टो कहते हैं कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टिकट पर जाएगा। और तीसरा बयान जो जुल्फिकार अली भुट्टो का है वो 14 मार्च 1971 को है, जगह है निस्टर पार्क कराची, वहां वो कहते हैं कि यू आर द मेजोरिटी पार्टी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, I am the majority party of West Pakistan. Therefore, separate transfer power in East Pakistan and separate transfer power in West Pakistan. Udhar tum, idhar hum. और चौथा बयान जो है कि जब मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हुआ और भुट्टो जब ढाके से कराची के एयरपोर्ट पर आया तो तमाम वर्ल्ड प्रेस खड़ी हुई थी उनको रिसीव करने के लिए और भुट्टो वहां क्या कहता है कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। हालांकि इस डेमोक्रेटिक लीडर को उस दिन कहना चाहिए था कि आज पाकिस्तान के टूटे की बुनियाद रख दी गई क्योंकि जब आपने मेजोरिटी पार्टी का घन बच्चा कोलू कर दिया तो ये डेमोक्रेटिक लीडर कहता है कि थैंक गॉड पाकिस्तान हैज बीन सेव्ड। असल में उसी दिन ही पाकिस्तान के टूटे की बुनियाद रख दी गई। बात यह है जी कि ये सारा जो था कि भुट्टो जो था वो इख्तदार का रसिया था और इख्तदार की लैला हासिल करने के लिए उसने मेरा और आपका पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिया और जब उसने कहा कि जो जाएगा ढाके में उसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं वाहिद आदमी था जो आज तारीख का हिस्सा बन चुकी है वो बात, मैं वाहिद आदमी था अपने जमीर के ढाके गया और मैंने पाकिस्तान की अगर वो सेशन हो जाता तो आज हस्ता बस्ता पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के कायरा साहब को मेरी आवाज आ रही है बड़ी आ रही है जी। अब आप अगर कसूरी साहब का बयान खत्म होगा तो कायरा साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए, भुट्टो साहब पे इतना स्ट्रॉन्गली इल्जाम लगता है पाकिस्तान तोड़ने का और बाकी फैक्टर्स भी जो आपकी नजर में है, प्लीज गिव योर वर्जन ऑफ 71। 70 के इलेक्शन में जो अवामी लीग थी, अवामी लीग अपने कैसे मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ी जिसमें सूबाई राइट्स की बात थी, बंगाल के हकूक का जिक्र था और उसमें 6 पॉइंट पे इलेक्शन था, पंजाब के बाकी पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड की जमातों के इलेक्शन के मैनिफेस्टो मुख्तलिफ थे। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा लेकिन इलेक्शन कराने वालों ने एक क्लाज रखी थी और मेरे इन बुजुर्गों से कहिए कंट्राडिक्ट करें इस बात को, उस मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो सिलेक्शन क्लास एक क्लास थी कि अगर 3 महीनों के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 70 में इंतखाब में बनी है ये 90 डेज में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देती तो ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये क्लास थी और भुट्टो का मुतालबा सिर्फ ये था कि मुजीबुर्रहमान साहब आपने बहुत बड़ी अक्सरियत वहां से ली है बट आप एक यूनिट में हैं, दूसरे यूनिट में हम उस यूनिट में हम नहीं और इधर हम हैं आप नहीं, लिहाजा इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए बहुत तफावत है, आए आउटसाइड द असेंबली बैठ जाते हैं,
और हम पहले आइन के ऊपर मेरा एक सवाल है सर, कायरा साहब एक मेरा सवाल है सर, ये आखिरी नहीं नहीं एक मिनट मेरी बात खत्म हो गई, एक जुमला जी जी, अगर हम ये नहीं करते तो फिर क्या होगा, डिफरेंसेस मीट नहीं होंगे और 90 डेज के बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और मार्शल फिर दोबारा इंपोज हो जाएगा, मार्शल तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो ये वो जवाब था जिसमें भुट्टो साहब ने ये अच्छा सर मेरा सवाल आपसे ये है, अब उसको उधर तुम इधर 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 तुम इधर हम कहने वाले, वो खुद हमारे दोस्त अल्लाह ताला उनको मगफरत करे, वो खुद मानते रहे कि ये मैंने गलत टाइटल लगाया और मैं उसका कुफारा अदा कर रहा हूँ, ये अबासतर सर ये चार रेफरेंस दिए कसूरी साहब ने, चार रेफरेंस, जो जाएगा ढाका उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी, ढाका इधर स्लॉटर हाउस, हमें सेपरेटली ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, जावेद हाशमी साहब आप इससे एग्री कर रहे हैं कि ये सब कुछ कहा था, मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ जी, कामरान एक मिनट रुकिए, हाशमी साहब की बात सुन ले सर थोड़ी सी, उसके बाद आ रहा हूँ जी हाशमी साहब, बात आप भुट्टो साहब कर रहे हैं मुझसे पूछ रही है सर, मैं आपकी बात को सामने रख रहा हूँ, वो भी मुझे बात तो करने दे कहरा साहब, मैं ये अब जो आपने मशरकी पाकिस्तान के साथ किया था वही आज आप साउथ पंजाब के साथ कर रहे हैं, भाई बात तो करने दे मुझे भी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये सारी जो जिद्दोजहद है उसके अंदर पाकिस्तान की यकताई की कोशिशें होती रही टिल लास्ट, लेकिन जो दूसरे अनासर थे वो आपने इक्तदार के लिए, अब भुट्टो साहब के साथ क्या उन्हें सिंध में अक्सरियत मिली थी, भुट्टो साहब को नहीं मिली थी, भुट्टो साहब को बलोचिस्तान में नहीं मिली थी, भुट्टो साहब को सरहद में नहीं मिली थी, सर पंजाब में मिली थी, तो वो पंजाब की बुनियाद पर तो तीनों यहाँ के सूबाई सूबों के भी क्या बात कर रहे हैं जी, मैं जावेद हाशमी साहब के बात कह रहा हूँ, हकीकत नहीं है, माफ कीजिएगा ये तारीख नहीं है, माफ कीजिएगा ये तारीख है 1971 की, ये तारीख नहीं है, सुन तो लो यार, तारीख में आएगा 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, फिर ये साल सारे भूल जाते हो, क्या होता रहा इन सालों में, एक बात देखिए हाशमी साहब मुझे कहने देंगे कुछ, जी जी सर प्लीज प्लीज, मैं उस पार्टी ने जो 10 साल इक्तदार में थी और उसका सदर था अयूब खान, उसका सेक्रेटरी जनरल था जुल्फकार अली भुट्टो, तो उसको आप किस किस तारीख को कहां कहां खराब करेंगे, जिम्मेदार सारे हैं, मैं भुट्टो साहब का ऊपर मुसलत वो तारीख बताना चाहूं तो अफसोसनाक होगा, मैं कहता हूं हम सब जिम्मेदार थे, लेकिन भुट्टो साहब 10 साल तक एक डिक्टेटर को पब्लिकली डैडी कहते थे, क्यों कहते थे, डिक्टेटर आ गया आगे चले, इन पे भुट्टो फौजी है के मरीज है ये सारे, तारीख के साथ चलना नहीं चाहते, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि हमने जो मगरबी पाकिस्तान की एरिस्टोक्रेसी थी या यहाँ की अस्की क्यादत थी, मार्शल ला थे, उन्होंने समझा नहीं है कि हम मशरकी पाकिस्तान के साथ मुसलसल ज्यादतियां कर रहे हैं, आप ये बात करें, मैं इस वक्त पूरी बंगाली जुबान बोल सकता हूँ, हम सीख रहे थे, सीखी है, मुल्क को चलाने के लिए सीखा था, आप बात कहाँ की कर, मैं वहां पहुंचा था, मैंने बांग्लादेश नामंजूर की तहरीक चलाई इस पूरे मुल्क में, और ये बात सही है अहमद रजा की, क्यों उसने हिम्मत की, वरना मियां महमूद अली कसूरी पीपल्स पार्टी की टिकटें वहां के इंटर कॉन्टिनेंटल में हमारे सामने तकसीम कर रहे थे, ठीक वहाँ के भाई इलेक्शन हो रहे थे, हाशमी साहब आपका पॉइंट आ गया, इस प्रोग्राम में डिबेट जारी है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस शो में, व्यूज अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो, सुकूत ढाका में बात चल रही है, सारे पैनलिस्ट जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है कि हम, अच्छी बात है इंटरनल मामलात की हमें अपनी बात करनी चाहिए कि हमने क्या कुछ जो है वो हमारी खराबियां थी, ख्वा वो भुट्टो साहब की पॉलिसीज हो, ख्वा वो याहिया खान की पॉलिसीज हो, लेकिन हम में से कोई इस बात को बात करने को तैयार ही नहीं हो रहा कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में थे उनको जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट किया,
वो फैक्टर को बिल्कुल कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं। हम ये बात करने को तैयार है जी बड़ा वर्स्ट मिलिट्री एक्शन हुआ, पाकिस्तानी फौज ने ये कर दिया और जुल्म की दास्तान। हम ये बताने को तैयार नहीं कि जब पाकिस्तानी फौज वहां से चली गई, हम मुल्क हार गए, उसके बाद जो वहां वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तानी का जीरो साइड बंगालियों ने, मुक्ति बहानीस ने इंडियंस के साथ मिलकर किया है, वो जो जुल्म की दास्तान है जो आज भी सुनाई दे रही है, जिस तरह उन लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है जिन्होंने उस जमाने में पाकिस्तान को सपोर्ट किया जबकि मुल्क ही पाकिस्तान था, और इस इल्जाम में उसको फांसी सुनाई जा रही है कि जी आपने मुक्ति बहानीस के साथ क्यों नहीं हथियार उठाए, आपने इंडिया के साथ क्यों नहीं हथियार उठाए, इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। इतनी बड़ी इग्नोर्ड दास्तान है जो वहां पर जो जेनोसाइड हुआ है बिहारियों का और मगरबी पाकिस्तानी का, उस वो किसी यानी कि जो हमने किया, हमने क्या किया, हमने उनकी जुबान एक्सेप्ट नहीं की, बहुत जुल्म किया, हमने उनको इख्तदार नहीं दिया, बड़ा जुल्म किया, लेकिन क्या कोई इस मौजूद पैनलिस्ट में से भी बता सकता है 47 से लेकर 70 तक क्या हमने उनके लीडर्स को कत्ल किया, क्या हमने वहां पे फायरिंग्स की 25 मार्च से पहले वहां पे कोई मिलिट्री एक्शंस हुए, क्या वहां पर बंगालियों को की लीडरशिप को जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी, ये पोजीशन और एक्सप्लोइटेशन जो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर इंडिया का फैक्टर ना होता तो हालात शायद बड़े स्मूथ तरीके से हो भी सकते थे और पाकिस्तान एक रह भी सकता था। एक छोटी सी बात नर्स करने जाता जी जरूर, ये कायरा साहब का बड़ा एहतराम है मुझे, लेकिन तारीखी हकायक ऐसे हैं जिनमें कुछ छोटी सी बात दर्ज करनी जरूर। इन्होंने पंजाब की बात की है, 1946 के इंतखाबात में 86 मुस्लिम नशिस्तें थी मुत्तहिदा पंजाब की असेंबली में, ठीक है, और 87% सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी, ठीक, और इसलिए ये कहना कि पंजाब का हिस्सा नहीं था या कम था, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा था, ठीक, और मुस्लिम लीग यहाँ इंतहाई भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी, ठीक है सर। अब मेरा सवाल एक, बा, आप एक, साथियों से एक बात और जी, दूसरी बात यह है कि 1954 में ये जो हमारा एक दस्तूरी मसवदा बना था बोगरा साहब का, उस वक्त उर्दू और बंगाली दोनों सरकारी जुबान थी, मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कहते थे उसको जी। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि वो असेंबलियां नुमाइंदा नहीं थी, यानी जो मुल्क जिन्होंने बनाया और जिनके इंतखाब जिस इंतखाब के नतीजे में मुल्क वजूद में आया, आजादी मिली, वो नुमाइंदा नहीं थी, जिसमें 76.5% कायदे आजम और मुस्लिम लीग। एक मिनट सर, आप मुझे जवाब दे लेंगे इसका। जरूर जरूर। अर्ज ये है, मैंने प्रिसाइसली ये कहा कि 46 में जब कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया, पंजाब की असेंबली तोड़ दी गई, असेंबली के बाहर जो नारे लग रहे थे वो भी मेरे इन बुजुर्गों को बड़े अच्छी तरह पता है, वो जो उस वक्त के वजीर आजम पंजाब के खिलाफ लग रहे थे। जब असेंबली डिसॉल्व की तो मुस्लिम लीग के सिर्फ दो मेंबर थे, मलक बरकत अली साहब और राजा रतन सर। ये तो आप बहुत पुराना बात, वो पहली असेंबली थी, ये तो 37 की बात कर रहे हैं आप। मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं साहब, खुदा के लिए बात सुन ले, तारीख की किताब खोल ले। नहीं मैं कहूंगा जिस तरह नहीं, मैंने तारीख की किताब खोली, मेरी सुन, मेरी बात तो खत्म हो गई, 37 की बात है, मेरी पहली असेंबली थी जी, वो इससे पहले सर, मेरी बात तो खत्म हो गई, खुदा का खौफ करे, मेरी बात तो सुने जी। कह रहा सब कंप्लीट कर ले, मैं क्या कह रहा हूं जी, जी सर बताएं, ये क्या तरीका है सर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि 46 में जब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई थी, पंजाब असेंबली में उस वक्त रेजोल्यूशन हुआ था जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया था और ये सारे यूनिट छलांगे लगा के मुस्लिम लीग में आ गए थे, और तब की बात आप फरमा रहे हैं, मुझे भी पता है उसी का, बात कर रहे हैं, ये हिस्टोरिकली गलत बात है। अच्छा मैं 70 कह रहा हूं, कमरा एक मिनट, 87% आप मुझे बताएं 1946 के मुस्लिम लीग ने भारी अक्सरियत, 1946 जनवरी में कितनी सीटें थी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग ने गुजारिश मेरी सुन ले, देखिए बात सुनिए, कांग्रेस बताता हूं सर, गुजारिश सुन लेना, इस तरह ना करें, 1946 में जनवरी में कैबिनेट मिशन प्लान आने से पहले जब यहाँ पे यूनिवर्सिटियों की गवर्नमेंट थी, कितनी सीटें थी मुस्लिम लीग की, ओ भाई बात सुन लीजिए, वो 87% मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग के पास थी, कांग्रेस का नाम ले, वो गलत बात ना करें,
वो मुसलमानों की जो असेंबली खुदा के लिए बात तो सुन ले, कांग्रेस ने और यूनियनिस्ट पार्टी आप 40 के इंतखाब की बात कर रहे हैं, 46 की बात कर रहा हूँ, 40 की सर 46 की बात कर रहे हैं सर, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, 37 की बात कर रहे हैं, आप 37 की बात ना करें ना, 46 की बात सर, उससे पहले 46 में जब इंतखाब हुआ तो यही हुआ, 37 में इससे मैं 70 के इलेक्शन 37 में तो मुतालबा पाकिस्तान ही बन जाएगा, 70 का इलेक्शन हुआ कैसे, हकायक डिस्टॉर्ट ना करें सर, आप सर सारा बात यू आ गया, कोई ना करे इंतजार साहब, एक मिनट सर, ढाका है भाई जी जी, मौजू यही है सर, बिल्कुल इसी बात से ढाका एक दिन में नहीं हुआ, बिल्कुल मसक कर रहे हैं तारीख को, इंतजार साहब एक सेकंड, हारून साहब को बिल्कुल लिया मैंने, पूरी कहानी है सर, कहानी सुना रहे हैं, कहानी है, दिन में तो एक सुबह का नहीं हुआ, व्यूज प्रोग्राम में डिबेट जारी है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस शो में, व्यूज सकूते ढाका के ऊपर ये प्रोग्राम जारी है, इसका पार्ट टू आप कल देख सकेंगे, हमें कल तक लिए दीजिए इजाजत। आप नैरेटिव सुन रहे थे इफ्तिखार साहब का भी, शामी साहब का भी और हारून साहब का भी, अगर इफ्तिखार साहब की बातें दुरुस्त मान ली जाए तो 47 से जो काम शुरू हुआ तो हम फिर आके इस मुल्क में बड़ा पॉपुलर नैरेटिव रहा है, आप भी जानते हैं राइट विंग पार्टीज का, कि भुट्टो साहब ने मुल्क तोड़ दिया, तो अगर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड मामले थे तो हम एक बंदे में किस तरह इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं, तो फिर सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होगी। हाशमी साहब मैं अर्ज करूंगा कि ये जिम्मेदारी तो बिल्कुल कलेक्टिव थी जी, इसमें ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इसमें अस्करी क्यादत, इसमें सियासतदान, ये उनकी नाअहलियों का समर था जिसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया। जब ये प्रोसेस शुरू हो गया टूटने का तो उसमें ये सारे लोग अपने अपने इक्तदार के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए ये बहुत सेल्फिश हो गए। पाकिस्तान टूटने से 1.5 महीना पहले हम वहां पे मौजूद थे, तो वो जो बातें हमने देखी, जो सुनी, मैं उस तालिब इल्म की हैसियत से, ये हजरात तो मुझसे सीनियर हैं, इफ्तिखार के आगे नाम और आ जाता है, मैं अपना अपने आवाज बंद कर लेता हूँ, तो ये असल में ये तो हमसे बड़े हैं सारे, मैं इतफाक से अयूब साहब ही हम बरेरा जाने का मौका मिल गया और तकरीबन 1 घंटा में हमने उस पर जरा की कि आप जिम्मेदार हैं। हाशमी साहब नहीं, एक बात बताइए तो ये जी, जी सर आप जब ये ऑपरेशन हुआ आप उस वक्त वहीं पे थे, ऑपरेशन के बाद आप वहां पे थे, आपके ख्याल में था जी, आपके ख्याल में जो एट्रोसिटीज बयान की जाती है, अभी नई रिसर्च आई है उसमें तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने जो ऑपरेशन किया वो इसलिए नागुजीर हो गया था कि मुक्ति रेबल्स ने जो टेक ओवर किया हुआ था पूरे इलाके को, और फौज को क्योंकि जनरल यहिया ने रोका हुआ था कि आपने 25 मार्च से पहले वो बाहर नहीं आए, तो 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक तो वहां पर हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं थी, फौज भी गैरिजन में और कैंट्स में मुकैद थी। सही है जी, तो सर वो जो रिएक्शन हुआ तो वो फिर नाजायज कैसे है रिएक्शन, क्योंकि आपने अगर गवर्नमेंट की सोवरेनिटी को बहाल करना तो एक्शन तो करना पड़ेगा आपको जावेद साहब। ये बात बिल्कुल सही है, रिएक्शन था, लेकिन किससे लड़ रहे थे हम, हमारे जो वहां पे के बंगाली थे उनको इस नहज पे चंद एक जो आ गए थे, और हिंदुस्तान 1.5-2 करोड़ हिंदू भी थे वो मौजूद थे, उसको बड़ी एहतियात की जो जरूरत थी वो अगरचे एक सही ला हासिल होती, लेकिन वो एट्रोसिटीज हुई हैं, हमें मानना होगा,
आपकी 10 साल से वहाँ फौज पड़ी हुई है, उन फौजियों का घर से रब्ता भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है, तो वो तो हो रही थी, लेकिन इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन थे? और उसको जो हेसी अमल हुआ वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, यहाँ हम वहाँ तुम, आयरलैंड की अंदर आज कौम तालियां बजाती है जो उन्होंने वहां पे पोलैंड की करारदाद को फाड़ डाला, कोई एक लम्हा जो मफाहमत का था उसको मौका नहीं दिया गया। और ब्यूरोक्रेसी हमारी जो थी वो कभी पाकिस्तान को मजीद, बिल्कुल ठीक है हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। कसूरी साहब, आपका इतना इंसिस्टेंस जो भुट्टो साहब पे है, लोग उसको बायस अप्रोच समझते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक FIR है अपने वालिद साहब को लेकर भुट्टो साहब के ऊपर, तो क्या भुट्टो साहब के अलावा आपको और कोई नजर नहीं आता इस पूरे मामले में जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की ढाका फॉल में? भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पावर के एक लेटर के जरिए उसको पावर ट्रांसफर की गई, और ये दुनिया की तारीख में पहला सिविलियन डिक्टेटर आया उसी। तो चीज ये है कि ये सारी चीजें साबित करती हैं कि देर वॉज एन इक्वेशन, देर वॉज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द आर्मी एंड जुल्फकार अली भुट्टो। ये चार स्टेटमेंट जो कसूरी साहब ने पढ़ के सुनाई हैं और हाशमी साहब ने भी इंडोर्स किया कि ऐसा कहा भुट्टो साहब ने, बिल्कुल कहा। पांचवी मैं आपको सुनाता हूँ। अहमद राय सूरी वहां मौजूद थे इस अपने चेयरिंग क्रास में, मैंने उसकी रिपोर्टिंग की। भुट्टो साहब ने कहा सिंध और पंजाब की चाबियां मेरी जेब में है, सिंध और पंजाब इख्तदार का सरचश्मा है, यानी इफ यू डोंट गिव मी पावर तो मैं इस मुल्क को तोड़ दूंगा। कमाल आप करते हैं। बेटा मैं बिंद्रा नायके नहीं हूँ, मैं बिंद्रा नायके, मैं वहां खड़ा हुआ था, ठीक है? मैंने रिपोर्ट किया यार, सुना आप कहते हैं। अच्छा मैंने रिपोर्ट किया हारू साहब के पास, हारू साहब के पास। तो हारू साहब, लेकिन आपको लगता है कि उनकी ये स्टेटमेंट शामी साहब इतनी पावरफुल थी कि मुल्क टूट गया उस वजह से? नहीं, सिर्फ भुट्टो की वजह से नहीं टूट गया है। देखिए ना, इतदाल से बात करनी चाहिए। बहुत से अवामल थे, कुछ इन्होंने बयान किए हैं इफ्तखार साहब ने, कुछ कायरा साहब ने बयान किए हैं, कुछ शामी साहब ने बयान किए हैं, कुछ जावेद हाशमी साहब ने बयान किए हैं। बहुत से लोग उसके जिम्मेदार हैं, और जावेद हाशमी ठीक कहते हैं, हम सब उसके जिम्मेदार हैं, ठीक है। सेंसर देखिए, जुग्राफिया हमारे खिलाफ था, नया मुल्क था। 1776 में अमरीका आजाद हुआ, 89 ईयर्स के बाद खाना जंगी हुई। नई कौमों के मसायल बड़े नाजुक होते हैं, और अमरीका का कोई इंडिया पड़ोसी नहीं था जिसका 3000 साल में एक पड़ोसी भी सुखी नहीं रह सका। इंडिया ताक में था, हमने गलतियां की, बहुत से लोगों ने गलतियां की। 70 में इकतदार के 3 भूखों की वजह से ये मुल्क टूट गया। आप सर्च करूं, ये हम बहुत तफसीली बातें कर रहे हैं। बंगाली 200 साल से गुलाम थे जी, दिल्ली तक अंग्रेज, 100 साल बंगाली टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, दूसरे हिंदू वो लड़ते रहे हैं, अंग्रेजों को आगे नहीं आने दिया। 100 साल पहले गुलाम रहे, फिर 100 साल फिर रहे। हम जो पंजाब के लोग थे, हमें अंग्रेजों ने सिखों से आजादी दिलाई, हम उसके हामी हो गए, और बदकिस्मती से हमने ये तैयार कर लिया कि अंग्रेज के सही वारिस हम हैं, और हमने उसी तरीके से छोटे सूबों को और कमजोर सूबों को गुलाम बनाना शुरू किया। आप ये देखें कि बंगालियों ने 200 साल की गुलामी देखी थी, उन्होंने हमें आजादी दी है, पाकिस्तान उन्होंने बनाया है, हमने नहीं बनाया, ठीक है सर। उसके बाद हमने उनके हकूक सलब कर लिए, 54 का जो कॉन्स्टिट्यूशन किसी हद तक उनको एक इकदाम दे रहा था, पावर दे रहा था, उसको भी उसको लगने ही नहीं दिया। किस्मती ये हुई है कि जो हमारे पाकिस्तान लेके देने वाले थे उसकी बजाय ये ठीक कह रहे हैं हम अहमद रजा कि यहाँ के जो बड़े लोग थे, बड़े लोग कौन थे? आर्मी थी। बड़े लोग कौन थे? ब्यूरोक्रेट्स थे, जो मुल्क के मालिक थे। बड़े लोग फ्यूडल लॉर्ड थे इन सूबों के, उन्होंने अपने अपने मफादात को मजबूत करने के लिए। भुट्टो भी उन्हीं में ही था, वो अलग नहीं था। पाकिस्तान तोड़ा है इन तमाम
कुवतों ने बंगाली भुट्टो साहब से तड़प रहे थे आजादी। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। रो रहे थे आजादी सर, आपका ये पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है हाशमी साहब, बड़ा आपका कॉन्क्रीट एनालिसिस आ गया। इफ्तिखार साहब, फिर कायरा साहब, फिर हारून साहब को समझूंगा। इफ्तिखार साहब, मेरा एक सवाल है पर्टिनेंट सर, अगर हम उस सवाल का जवाब आगे प्रोग्राम आगे मूव करें। जो मैंने अब तक डिस्कशन सुनी है उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो सीड ऑफ सारे बोए, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद जब 70 में इलेक्शन हुए, ग्रीवियंसेस एड्रेस हुई, उसके बाद तीन इक्तदार के पिलर थे जिनके हाथ में था पाकिस्तान को बचाना। मुजीबुर रहमान, अगर वो बचा लेते इंडिया से ना मिलते, भुट्टो साहब, उनके बारे में कहा गया वो बचा सकते थे लेकिन लोग कहते इक्तदार के रसिया थे, याहिया खान, अगर वो कोई अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करते वो भी इक्तदार के पीछे ना दौड़ते, आप इस बात से फिर एग्री करते हैं कि उस वक्त ये तीनों स्टेक होल्डर इस पोजीशन में नहीं थे कि इस मुल्क को बचा सके, तीनों के सेल्फिश इंटरेस्ट थे? बिल्कुल नो नो, मैं लफ्ज़ सेल्फिश इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपने मुझसे हिस्ट्री की बात की है जी, इन पे आ जाए इस सवाल का जवाब जवाब आएगा। हाँ जी, देखिये जी, 1970 के इलेक्शन से पहले मेरी मुलाकात हुई शेख मुजीबुर रहमान से बरकत अली सलीमी के घर लाहौर में। ठीक है, ये जुलाई का महीना है, 1970 का 1970 है जब उन्होंने गोलबाग में जलसे से खिताब किया था। उससे पहले मुलाकात हुई, हमने उनसे बहुत डिटेल बात की इस 6 नुकात पे। उन्होंने कहा कि देखें आप नौजवान हैं, ये मेरे पे दबाव है मेरे वोटर्स का, हम इस पे बात कर सकते हैं, खास तौर पे ये जो करेंसी वाला मामला था, डुअल करेंसी का आधा पॉइंट वही था, असल पॉइंट ये था कि डुअल करेंसी का। तो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे यंग मैन हो सकती है, लेकिन जब वो जलसा करने गए वहां पे गोलबाग में, जमात इस्लामी के लड़कों ने पथराव किया वहां पे, मुजीबुर रहमान ने एक फिक्रा कहा कि आज जो तुमने मेरे साथ की है इसके बाद मौलाना मौदूदी का जहाज ढाका एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकेगा, तो बहुत खिंचाव हो गया। हमें जुल्फकार अली भुट्टो ने भेजा इस पाकिस्तान, मैं था, राशिद भट्ट थे, हम यूनिवर्सिटी में गए, रऊफ और तुफैल को मिले, हमारे उनके दरमियान बहुत फर्क था, हम बड़ी बोस्की की कमीजें पहन के गए, वो धुतियां पहन के बैठे थे, वो पत्ता था केले का उस पर चावल यहाँ रखे थे, मच्छियां रखते थे, ऐसे पकड़ के ऐसे खाते थे, और हम देख रहे थे ये क्या है। हमारे उनके दरमियान जमीन आसमान का फर्क हो गया था, वो गुर्बत की इंतहा पे खड़े थे, हम अमारत की इंतहा पे खड़े थे, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने उनको अपना गुलाम समझा हुआ था, और यही होना था जो हुआ। तो कोई लीडर काबिल नहीं था जो रोक सकता? यस, मैं यही कह रहा हूं, भुट्टो साहब समेत, याहिया खान समेत, मुजीब समेत, हो सकत नहीं, ये 60s में पॉसिबल था, 70 में नहीं था। नो, जब बोगरा था, जब नाजमुद्दीन था, जब इस कमाश का मदूदी साहब थे, सुनो है थे, मदूदी साहब थे, बशानी साहब नहीं रोक सके, नूरानी साहब थे, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जहां ये बात हो कि वो केले के पत्ते के ऊपर चावल एक तरफ रख के, मछली एक तरफ रख के, कांटे निकाले बगैर खाए, और हम उनके सामने छुरी कांटे की बात करें, वी वर फार अवे। ठीक है हारून साहब, कोई पाकिस्तान लीडरशिप उसका बात ये है, ये एक कामरान, एक बात मैं एक बात करूंगा कामरान जी, मैं, जुल्फकार अली भुट्टो मुल्तान में थे, जुल्फकार अली भुट्टो मुल्तान में थे, मैंने कहा कि 11 नुकात जो हैं तालिब इल्मों के और बंगालियों के, उस पर बात होनी चाहिए, उन्होंने कहा मैं उनकी कोई बात नहीं सुनता, और तुम लोगों ने फिश मार्केट बना दी है ये सवाल करके मैं मुझ पर, जुल्फकार अली भुट्टो ने हमें कहा आप निकल जाएं, आप उनकी बात न करें बंगालियों की। बात यह है हमारी एक एक मरला जो गुजर रहा था उसको तो देखें आप, हमारी भुट्टो ने बंगालियों को छोटे कद का नहीं कहा था, भुट्टो ने नहीं कहा था कि इनको फौज में शामिल मत करो, भुट्टो ने कभी ये नहीं कहा था ये इस काबिल नहीं है, भुट्टो ने कभी बात छोड़ो भुट्टो ने कहा था, मैं वो बता रहा हूँ, अजीब यार, अजीब भुट्टो ने कहा, और भाई मेरे भाई मेरे एक अजीब रियासत है कि एक शख्स को तोड़वा दी, मेरे भाई जो मेरे कमाल रियासत ही है, एक शख्स तोड़वा गया। हारून साहब, हाशमी साहब सामने का, हाशमी साहब बात करने का मौका है, मौका कोई नहीं साहब, कायरा साहब एक मिनट, इसकी सारी उम्र यही है, रोला डाल दो, ये इफ्तिखार मेरा भाई है, मैं अगला लफ्ज कह नहीं सकता क्योंकि मीडिया पे नहीं कहना चाहिए। ठीक है सर, भाई और क्या कह सकते हैं, इतना डालना होता है। ठीक है जी हारून साहब, उसके बाद कह रहा था ये नहीं, इसमें कोई फैसला नहीं हो सकता, ये डायलॉग है ही नहीं, ये जोर खिताबत है। मतलब ये कहते हैं कि गोलबाग में जमात इस्लामी के लड़कों ने उस पर पत्थर फेंके, मुझे याद नहीं है ये सही कहते होंगे, लेकिन गोलबाग में शेख मुजीबुर रहमान ने यह भी कहा कि दोनों खित्ते हमेशा तारीखी तौर पे अलग रहे हैं, जो अखबार ने छापा
और उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की रिकॉर्ड पे मौजूद है। देखना पूरी बात कर देखना, मैं तो चुप करके सुनता रहता हूँ। हुजूर वाला बंगाली गुरबत के इंतहा पे थे, इफ्तिखार साहब ने फरमाया हम अमारत के इंतहा पे थे। हम कौन सी अमारत के इंतहा पे थे? $180 फीकस तो यहाँ इनकम थी, कौन सी अमारत के इंतहा पे थे? चंद लोग अमीर थे, उसके मुकाबले में चंद लोग अमीर थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। बंगाल हमेशा बंगाल में सैलाब आते थे, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं, बंगाल में सैलाब आते थे, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकी थी, उनका मिजाज था, ठीक है ना। वो तो उसको ग्रेजुअली आखिरी सालों में अयूब खान के वसायल का रुख मशरकी पाकिस्तान की तरफ किया गया था, जाती उनसे हुई थी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जो बात इफ्तिखार साहब बार बार कह रहे हैं कि एक आदमी को जिम्मेदार, एक को तो कोई जिम्मेदार करार देता ही नहीं है, कोई फातरुल अकल ही होगा जो एक को जिम्मेदार करार देगा। जुग्राफिया हमारे खिलाफ था, इंडिया तुला हुआ था, जो पहलू हम नजरअंदाज कर रहे थे आपने उसको बयान कर दिया। 62 में अगर मुझे पता होता तारीख पर बहस होगी तो मैं यहां शवाहद लेकर आता। 62 में इंडिया फैसला कर चुका था उसको अलग करने का, राह को टास्क दे दिया, टास्क दे दिया, सही बात। अप्रैल में मानक शाह को बुला के उसकी किताब निकाले, मानक शाह को इंदिरा गांधी ने टास्क दे दिया था, कब तक हो सकता है जी जी, उसने 8-9 महीने मांगे थे। इसका मतलब है कि इंदिरा गांधी ने भी फैसला करने से पहले 6 महीने लिए होंगे ना, एक दिन में तो फैसला नहीं कर लिया था, ऐसे फैसले एक दिन में तो नहीं होते। इंडिया सबसे बड़ा फैक्टर था, ठीक, हमारा पड़ोसी हमारे घर को लूटने पर तुला हुआ था, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए था, हमने की हमाकते सब ने। मैं जावेद साहब के इस फिक्र को बार बार दोहराऊंगा कि हम सब ने गलतियां की, एक आदमी को कोई नहीं कह रहा। आखिरी मरहले में इन तीन आदमियों से अगर एक भी इशार पर आमादा होता, ये तीन औरतें कह रही थी कि हमारा बच्चा है, काजी ने कहा कि इसके तीन टुकड़े दो टुकड़े कर दूं, उनका कर दें। अगर माँ की तरह सोचते, बाप बन के सोचते, दर्दमंदी के साथ सोचते तो कोई सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता? या यहाँ तैयार नहीं था? शेख मुजीबुर रहमान तो इंडिया के ईमा पर काम कर रहे थे, उसकी तो आप सारी अगरतला साजिश केस जो है अब वो तो साबित हो गया है। अच्छा, तो भुट्टो साहब जो है वो कह रहे थे कि सिंध और पंजाब की चाबियां मेरी जेब में है, मैंने तो रिपोर्ट किया उसको। बहुत से लोग जिम्मेदार, मगरबी पाकिस्तान का प्रेस जिम्मेदार था जिसने कभी हकायक बयान ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है जी। कायरा साहब, आप हाशमी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, कर दें ताकि मैं फिर सवाल पुट करूं आपसे। अभी हाशमी साहब बार बार बयान कर रहे थे कि बंगालियों के तशखस ये था, उनका उनकी इकोनॉमी ये थी और उनके उनके यहाँ गुलामी का तसव्वुर ज्यादा था, रेजिस्टेंस ज्यादा थी, पंजाब में ये हुआ। तो जब हम जरूरत होती है तो हिस्ट्री को ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के तहत नेशनलिटीज का जिक्र ले आते हैं के ज्योग्राफियाई कौमियतों का, और जब हमें जरूरत होती है तो हम इस्लामी कौमियत को जिक्र शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। अब हम उस वक्त नहीं कहते कि बंगालियों के अपने हकूक थे, उनके अपने डिमांड्स थे, उनके अपने हालात थे, फिर हम कहते हैं कि नहीं ये मजहब के नाम पर बना था। यह एक अजीब सा फिनोमेना है हमारा, तो ये इस तरह हिस्ट्री नहीं, बिट्स एंड पीसेस में मत देखिए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि माजी के हुक्मरानी ने पाकिस्तान की तोड़ने की बुनियादें इससे पहले रख दी गई थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता था, वो दुश्मन था, उसने तोड़ना था, लेकिन उसका कसूर बाद का है। मैं उसका कसूर मानता नहीं हूं, इसलिए कि वो दुश्मन था। मैं तो कहता हूं हमारे अपने कर्मों के फल थे कि पाकिस्तान की अपनी लीडरशिप ने इस मुल्क को एक वफाकी इकाई के तौर पर नहीं चलाया। आज भी तो पाकिस्तानी था, एक मां की तरह भाई मुजीब तो पाकिस्तान बनाने वालों में से था। मुजीब तो फिर वो क्यों मिल गया सर? मुक्ति बानी को उसने प्रोवाइड कर दी ट्रेनिंग, हमने बनाया भाई, इसलिए कि हालात ने। आप फिर बड़ा सवाल तो ये है कि बंगाल पाकिस्तान बनाने वाला था, 70 में वो आपसे आजादी हासिल करने के लिए सारी काम खड़ी होगी, क्यों क्या हुआ? तो क्या ये जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था भाई उनके साथ? नहीं, बिल्कुल उन्होंने आजादी, उन्होंने आवाम ने आजादी नहीं मांगी थी। मुझे इजाजत देंगे बात करने की? ये इनकी बात देखिए देखिए, मैं सर इस तरह नहीं, मैंने सब मेरा मौका है, आपका मौका पूरा आ रहा है, मुझे सर आप पूरा कंप्लीट करें, मैं रोक दिया। हाशमी साहब इस तरह नहीं, प्लीज हाशमी साहब यूं नहीं। मैंने किसी के गुफ्तगू में बात नहीं की, मैं जाहिल आदमी हूँ, ठीक है, आप बड़े आलम फाजल लोग हैं, लेकिन खुदा के लिए दूसरे का सर आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, कह रहा सबको जी जी, मैं खाक कंप्लीट करूँ थी, बात शुरू करता हूँ, कोई ना कोई इंटरप्ट कर सर। अच्छा, अब कोई नहीं करेगा, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे जी। एक तो कह रहा साहब दूर बैठे हुए, हाशमी साहब भी दूर बैठे हुए, वैसे तो ये है जी सर। मेरा सवाल सिंपल ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ हो सकता है मेरा मौका मेरा अपना हो, आप उसे एग्री ना करें। जी सर बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बोलने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले। अर्ज ये है भाई, अगर हम पाकिस्तान को जिस बुनियाद पे बनाया था कि हम एक कौम बना रहे हैं, एक मुल्क बना रहे हैं, जिसको कायदे आजम ने कहा था कि ये 5 कौमियतों का मुल्क है,
इसको एक आइन के तहत चलाना है। और अगर मैंने कहा, अब उठ के चले गए हैं मेरे बुजुर्ग मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर मैंने ये कहा कि ये पॉपुलर मैंडेट पॉपुलर अवामी वोट के जरिए बनी हुई असेंबलियों के नुमाइंदे नहीं थे तो मैंने को गुनाह नहीं कर दिया। मेरा मतलब यह था कि पाकिस्तान बनने के बाद कोई इंतखाब वो नहीं हुआ जो वन मैन वन वोट की बुनियाद पर था, मैंने वो बात कही है। और दूसरी गुजारिश यह है कि हाँ, तारीख के तनाजुर में लीडरों से गलतियां होती हैं, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जो कहा कि ढाका नहीं जाना, मैंने उसका एक नुक्ता नजर बयान किया कि क्या 90 डेज की क्लाज नहीं थी इलेक्शन रूल्स में, और 90 डेज में क्या हमारे डिफरेंसेस ब्रिज हो सकते थे। और जुल्फकार अली भुट्टो अगर ये कहते हैं कि आओ असेंबली के बाहर बैठ जाते हैं, पहले रिजॉल्व कर लें और फिर आपस में असेंबली का इजलास बुलाने का कहते हैं उसको, और उसने मुजीबुर रहमान और जया खान ने अपने नुक्ता नजर से कि ये असेंबली का इजलास शुरू हो जाए, 90 डेज में नहीं होगा, इस क्लास के तहत असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये वो जवाब था। हो सकता है भुट्टो साहब का नुक्ता नजर दुरुस्त हो सकता है आपका नुक्ता नजर दुरुस्त हो, लेकिन भुट्टो साहब ने खालिस्तन इस नुक्ता नजर के तहत ये काम किया था। ठीक है, अब हिस्ट्री तीसरी चौथी गुजारिश ये है कि आज भी कामरान आज भी हमारे साथ हुआ क्या, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बंगाल को तोड़ के अलग कर लिया, हमने उसके बाद बंगालियों का पश्तूनों के साथ क्या किया, हमने बलोचों को गालियां देनी शुरू की कि ये गद्दार है, क्या करते थे वो, हकूक मांगते थे ना, आज हमने उनको उनके हकूक दे दिए, आज हमने एनएफसी करके वसाइल दे दिए, आज 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 सिंध का जो नेशनलिस्ट है उससे हमने वैसे बलोचों को गद्दार तो नहीं कहा सर, खैर अकबर मुक्ती का एपिसोड डिफरेंट है, लेकिन बलोचों को गद्दार तो खुदा का खौफ करो सर, किसने कहा है आप बताए, अरे भाई खुदा का खौफ करो, बलोच पाकिस्तान के दुश्मन कहने जाते रहे सर। 74 में भुट्टो साहब ने फौजी ऑपरेशन किया था उधर, ये तो मुझे पता है, और मुशर्रफ साहब ने मुक्ती साहब के खिलाफ किया था, लेकिन हमने तो नहीं कहा एज अ नेशन, ये एज अ नेशन किसने नहीं कहा भाई, क्या वली क्या पठानों पे बलोचों पे मुकदमे नहीं चले सर, भुट्टो साहब पर गद्दारी का मुकदमा चला था वली खान पे सर जी। यार मैं किसका, मैं ये बात नहीं कर रहा किसने चलाए थे मुकदमे, अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं और बात कर रहा हूँ, आप कह रहे सब, आपने कहा सबने, आप कह रहे सबने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक, मैं ये कह रहा हूँ गलतियां हुई होंगी, मैं तो किसी से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल ये बात कर रहा हूँ भाई कि आज भी हमने उसे सबक नहीं सीखा है, हमने है। अगर पश्तूनों को वो कहते थे जी हमारी शनाख्त हमें दे, पख्तूनख्वा होना चाहिए या पख्तूनिस्तान होना चाहिए, हम समझते थे ये पख्तूनिस्तान या पख्तूनख्वा का नाम मिला मुल्क टूट जाएगा, क्या हुआ, हमने खैबर पख्तूनख्वा बनाया, क्या हो गया, टूट गया मुल्क, हमने गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शनाख्त दिया, मुल्क टूट गया है, हमने एनएफसी के जरिए रिसोर्सेज सूबों को दे दिए, वसाइल टूट, मुल्क टूट गया है, मुल्क कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है, बेहतर हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये वो लड़ाई थी, ये वो बुनियाद थी जिसको हमने डिनाई किया है, कह रहे ठीक कह रहे हैं आप, मतलब ठीक से मुराद आपका मौका आ गया, बुनियाद है, बिल्कुल ठीक सर। हाजमी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं तो हारून साहब की बात पर कह रहा था, कह रहा कि साहब के बात पे तो मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब उन्होंने जो कहा है, आप देखिए भुट्टो साहब जो हैं वो अपकरी थे, बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने जो गलतियां की उसका जिक्र हमें करना पड़ता है, उनके 74 में बलोचिस्तान में क्या किया भुट्टो साहब ने, वहां पे और वहां पर जो जितनी फौज कुशी भुट्टो साहब ने की, फौज कशी की, जितनी सरहद के अंदर उनको जेलों में डाल के हैदराबाद का ट्रिब्यूनल बना के उनको सजाए मौत तक देने चले गए, तो ये इसकी वजह से इन बातों की छोड़े कि कहरा साहब ने भुट्टो साहब की गलतियों की तस्दीक की है नहीं की है, बात ये है कि ये हम बार बार गलतियां करते रहे हैं, आज सुकूत ढाका का मकसद भी यही था कि कल को बलोचिस्तान सिंध या केपी के साथ भी हम वही करते जा रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे, इसलिए आज सुकूत ढाका पे यही कह रहा हूँ जो बात हो रही है। हाजमी साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मैं आज कर रहा हूँ, बिल्कुल सर आ गया, मेरा आ गया, मैं चुप कर जाता हूं, ठीक नहीं सर सर का मजीद कहते कुछ कहना, सुन रहा हूं, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं जी हाजमी साहब जी सर, हाजमी साहब मैं ये कह रहा था, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आ रहा हूं जी हाजमी साहब, कंप्लीट कर जी हाजमी साहब, कंप्लीट कर ले, इस्लामाबाद की तरफ रुख करो मियां, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, चलो सुन ले जी, पहले मुल्तान की सुन लो, नहीं हाजमी साहब आपको आपको इस्लामाबाद ने तो बर्बाद किया कि हमारी तरफ रुख नहीं करोगे तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, मैं आता हूँ आपके पास, व्यूज प्रोग्राम में डिबेट जारी है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस शो में।
अरुषी साहब, पाकिस्तान के आज के हालात ऐसे इतनी बुरे हो खुदा रखा? देखिए नहीं 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 इतने बुरे नहीं है, बाद लिहाज से बुरे हैं, बाद लिहाज से अच्छे भी हैं। देखिए बलोचिस्तान में हम वो नहीं कर रहे जो हमने मशरकी पाकिस्तान में किया था और फिर बलोचिस्तान में भुट्टो साहब के जमाने में किया था, उससे पहले यूब खान के जमाने में किया था। आज हम बलोचिस्तान में हमारी अप्रोच उससे मुख्तलिफ है। आप कह सकते हैं 100% सही नहीं है लेकिन मुख्तलिफ है। अब हम कनेक्ट करने की आवाम से कोशिश कर रहे हैं, वसायल मुंतकिल कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। अरुण साहब एक अरुण साहब, इंडिया इंडिया वही कर रहा है, इंडिया वही कर रहा है, मशरक पाकिस्तान में क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इंडिया वही कर रहा है, हम वो नहीं कर रहे। हम वो नहीं कर रहे, हम कराची में भी वो नहीं कर रहे। हम कराची में कह रहे हैं बतौर पोलिटिकल रियलिटी के MKM को जिंदा रहने का पूरा हक है, हर शख्स कह रहा है और कहना चाहिए, और जो ये नहीं कहता वो ज्यादती करता है, बहुत बहुत थोड़े लोग होंगे। हमने उसका नाम पख्तूनख्वा रख दिया हालांकि वहां पश्तूनों की अक्सरियत ही नहीं है, इसको भी कौम ने बर्दाश्त कर लिया। हमने 18वीं तरमीम दी सूबों की कैपेसिटी बढ़ाए बगैर, इसको भी कौम ने गवारा कर लिया। ठीक, आज सिंध में बहुत करप्शन की हद है, बदनवानी की हद है, और रेंजर्स को जिन्होंने इतनी कुर्बानियां देके अमन कायम की उसकी रेजिस्टेंस हो रही है, इस पे कोई जुलूस नहीं निकल रहे, कोई कत्लो गारत नहीं हो रहा, दलाइल से गुफ्तगु हो रही है। कुछ सिचुएशन उससे बहुत बेहतर है, उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक, ठीक। लास्ट वर्ड, अब देखिए ना, गुजारिश ये है कि बहस बहुत फैल गई और उसके नतीजे में बिखर गई और एम्फेसिस कायम ना रह सका, इसको 3-4 किस्तों में होना चाहिए था। हम सब जिम्मेदार हैं, कुछ लोग ज्यादा हैं, एक जो गली में पकोड़े बेच रहा था वो तो नहीं है, सही। हम सब जिम्मेदार हैं। मैं वो फिक्रा तीसरी दफा दोहराता हूं, उस वक्त ठीक हो सकता था, 1200 साल पहले बगदाद में अजमी तहरीक उठ खड़ी हुई थी, जो अब्बासी सल्तनत थी उसको तोड़ने के लिए, अरबों की डोमिनेशन के लिए, लेकिन उसको रिजॉल्व कर लिया था, कई सौ साल फिर गुजार लिए थे। स्पेन में भी कई सौ साल गुजार लिए गए थे, तुर्कों ने भी कई सौ बरस गुजार लिए, इख्तलाफात भी होते हैं, उनको सेटल भी किया जाता है, लेकिन हम नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। ठीक, और उससे हमें यह सबक सीखना चाहिए कि जब भी इख्तलाफ हो उसको आईन और कानून के हुदूद में रह के डायलॉग से सेटल करना चाहिए। कसूरी साहब, आपने एंड में कुछ कहना है, उसके बाद मैं इफ्तिखार साहब को बस आऊंगा। और जी, एक तो मैं ये कहूंगा कि कायरा साहब ने कहा कि जिस असेंबली ने 56 का आईन दिया वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली नहीं थी। ठीक है, इनका आपका मौकफ है, शायद इसमें सच्चाई का भी एलिमेंट हो, लेकिन ये जो जिसने 1972 का इंटरिम और 1973 का परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कैसे हुई? क्योंकि वो तो पूरे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्ट हुई थी, और आधा पाकिस्तान जब टूट गया, आधे से ज्यादा पाकिस्तान टूट गया, तो ये तो इसका पीछे से एक एक छोटा सा हिस्सा रह गया। वहां तो आपको फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए थे और वो असेंबली इलेक्शन कराती, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये थी बात ये है कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पॉलिटिकल एम्बिशन डेवलप हुई अयूब खान के जमाने में, तो उसने देखा कि भाई अयूब खान की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो उसको जवाब मिला कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो उसने एक जिब्राल्टर ऑपरेशन किया जिसका बुनियादी मकसद था कि लेट पाकिस्तान आर्मी बी डिफीटेड बाय द इंडियन आर्मी, एंड डिफीटेड आर्मी जनरल कैन नॉट होल्ड द फोर्ट एंड आई विल इमर्ज फ्रॉम इट। वो 65 की वॉर, बड़ा सीवियर इल्जाम है सर, ये तो इतने बड़े लीडर पे आपने लगाया, बहुत सीवियर इल्जाम है ये तो। 71 में ही रिपीटेड द सेम थ्योरी कि लेट पाकिस्तान डिफीटेड आर्मी बी डिफीटेड बाय द इंडियन आर्मी। देखिए, गंगा का जो जहाज था जिसको मकबूल भट्ट लेके आया, जिसके बाद PIA की फ्लाइट सर सोल्जर्स वापस लेके आए, भुट्टो साहब वहां से जाके तो क्यों लेट डाउन करेंगे, एयर लिंक से डी लिंक हो गया, करते हैं यार काम कर दिया ये पाकिस्तान आर्मी साहब, आपने रिस्पॉन्ड करना या नहीं करना इस पे, एंड डिफीटेड आर्मी कमांडर कैन नॉट होल्ड सर, हर मौका पर कर सब मैं क्या करूं, क्या मौका है, ये खुद कौन हुआ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके ऊपर, सो दिस वाज हिज थ्योरी कि लेट पाकिस्तान आर्मी बी डिफीटेड बाय द इंडियन आर्मी। सर साहब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आर्मी कमांडर कैन नॉट होल्ड सपोर्ट एंड आई विल बाय सर साहब लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस और नॉट कर साहब? मैं बिल्कुल करूंगा यार, ऑपरेशन जिब्राल्टर में फैसला करने वाला क्या वजीर खारजा था, क्या किससे क्या कर रहे हैं भुट्टो के साथ गया? क्या बात कर रहे हैं इत्तेखार साहब, क्या हमें इसकी बता रहे हैं? जो अपना कहा है मेरे उस्ताद मोहतरम ने, कौन अगर ये मेरे सामने बैठे हारून ने,
अगर पाकिस्तान के सियासतदान जगतू फ्रंट के क्याम के बाद मामला को समझ लेते तो मशरकी पाकिस्तान का सानिया ना होता। अगर हमारे उस वक्त के सियासतदान मोहम्मद अली बोगरा के उस मुतालबे को समझ लेते जिसमें उसने कहा कि मैं बंगाली हूं और बंगाली जबान की सपोर्ट करता हूं, तो आज हम अलमिया पाकिस्तान का शिकार ना होते। अगर ये हुकूमत जो बनी थी जगतू फ्रंट की जिसमें डिफीट किया था मुस्लिम लीग को, नहीं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसको ना तोड़ा जाता, उसको डिसॉल्व ना किया जाता, उसे सबक सिखा जाता, तो आज हम यहां ना खड़े होते। और जुल्फकार अली भुट्टो को एक शख्स अगर मुल्क तोड़ गया तो खुदा का खौफ करो फिर तो मुझे ये रियासत बड़ी अजीब नजर आ रही है। एक शख्स ने मुल्क तोड़ दिया, एक फिक्र मैं कहने चाहता माफ कर दो, जितनी बातें इन्होंने कही हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है साहब को भी सुन लेना एक मिनट, जितनी बातें इन्होंने कही हैं मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, यानी बाई एंड लार्ज इत्तेफाक करता हूँ। इसी तरह 1970 में भुट्टो अगर हवस इख्तदार का शिकार ना होते तो मुल्क बच जाता। हाशमी साहब वुड यू लाइक टू से लास्ट वर्ड्स? मार्शल लॉ जो अयूब खान ने लगाया और उसके जो लोग मिलके उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, कामरान साहब एक बात मुझे जरूर कह रहा था, एक मिनट जी, अवामी लीग की सूरत हाल ये थी कि अगर वो इलेक्शन होने देते तो मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान की पार्टियां रीजनलाइज ना होती, ठीक है, जमहूरियत पनपती, जमहूरियत आगे जाती और दोनों हिस्सों के अंदर 1000 का फासला होने के बावजूद यकजहती बढ़ती। पाकिस्तान का बनाना जरूरत थी बंगालियों की, हमारी शायद हमने बदकिस्मत है शायद पाकिस्तान की जरूरत हमें नहीं थी, उन्हें थी, हमने उनसे पाकिस्तान छीन के उनको इंडिया का गुलाम बना दिया है और अब तक हम भी नहीं संभल सकते। इस प्रोग्राम में डिबेट जारी है, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं इस शो में। कहरा साहब लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड आई विल वाइंड अप द शो। कामरान बहुत शुक्रिया। एक बात तो जो भुट्टो साहब के बारे में कही गई थी कि उन्होंने 70 में जो असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उसका जितना पोर्शन बचा था उस वक्त उसमें मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत भी मुल्क चल रहा था और इलेक्शन भुट्टो साहब ने नहीं कराने थे, उस वक्त के लोगों ने फैसला करना था या हुक्मरान ने जो याया खान था। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त वो सानहा हो गया, तारीख से सीखने का अगर अमल करना है तो आज भी पाकिस्तान में जो हमने अपने आईनी तरमीम के जरिए NFC के जरिए इन हालात में पाकिस्तान को कंसोलिडेट किया, एक वफाकी रियासत के तौर पे खड़ा करने की कोशिश की है, आज फिर उसको दोबारा उन्हीं खतरात का सामना है। वफाक को और बड़े सूबों को अपनी हेजमनी कायम करने की जरूरत नहीं, हम अगर एक सेंट्रिस्ट निजाम के तहत इस मुल्क को चाहें कि अपनी राय इस पर मुसलत करें सब कौमियतों पर तो ये नहीं होनी, इससे नुकसान होगा। हमें सबको साथ लेके और आइन के तरीके कार के तहत चलने बेहतरी आनी है और कोई रास्ता नहीं है। बहुत जबरदस्त बात ही कह रहा साहब आपने, और हाशमी साहब आपकी गुफ्तगू खैर हमेशा मैं बहुत उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और बहुत इंजॉय भी करता हूँ और लोगों के लिए बड़ी होती है, और कहरा साहब की भी, बाकी लोग भी, इफ्तिखार साहब, हारून रशीद साहब, मुजीबान शामी साहब और अहमद कसूरी साहब। फिर आज का शो था, इस पर ऑब्वियसली आप अपने कमेंट दे सकते हैं। 71 का वाकया पाकिस्तान की एक ट्रेजडी था, उसके कुछ एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की, किस हद तक कामयाब हुए अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पर। हमें नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए।